नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। नजर आइए, नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जगदलपुर में मंगलवार दोपहर कांग्रेस भवन में जगदलपुर के पूर्व विधायक व पीसीसी से बस्तर संसदीय सीट के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नियुक्त पर्यवेक्षक रेख चंद्र जैन ने विभिन्न ब्लॉकों से आए अध्यक्षों व पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रेम शंकर शुक्ला, फतेह सिंह परिहार, महादेव नाग, नीलू राम बघेल आदि अन्य ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र की जानकारी देने के साथ साथ गांव गांव तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाने तथा पार्टी की मजबूती का संकल्प लिया। श्री जैन ने अध्यक्षों से भाजपा की वादा खिलाफी को भी ग्रामीणों तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में शकील रिजवी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, बस्तर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बलराम मौर्य, श्रीमती चंपा कश्यप, राम शंकर राव, हनुमान द्विवेदी, अंगद प्रसाद त्रिपाठी, पुरुषोत्तम नथानी, परमजीत सिंह जसवाल, गणेश बघेल, शिवराम बिसाई, सहदेव कश्यप, चंद्रशेखर, लक्ष्मण कश्यप, उत्तम नायक, सुनील दास, धन सिंह बघेल, वीर सिंह, कामता प्रसाद, कोराम, ब्रज श्रीवास्तव, सावित्री समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद। गीता का गाने में अपनी भूमिका क्योंकि हम इससे तुलना न करें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो उनकी पार्टी का काम है, उन्होंने अपना कैबिनेट चुना है। हमारी पार्टी का अपना काम होगा, हमारी पार्टी इस प्रत्याशी चयन करके भेजेगी। हम हमारे कांग्रेस क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल से राज, आज हम जनता के बीच जाएंगे, अपने बूथ में जाएंगे, हमारे पास प्रधानमंत्री इसी बात है, ये बात हमारे मतदाता प्रांति की बात है कि 10 साल में मोदी गारंटियों की गारंटियां क्या क्या थी,